ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ सहनाबबतु सहनौ भुनत्तु सह वीर्यम् कर्बाव तेजस्वे नधधी तमस्वषाब शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रतितांच हाद स्वागत मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथम पाद कक्षा संख्या एककशत्तमी 41वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे ठीक है चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें और मित्रों आप सभी से हम प्रति माह निवेदन करते रहते हैं कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम कि आप सभी पाठक महानुभाव मासिक सदस्य बन जाए आपके सहयोग से ही अभियान संचालित होता है हमारे अनेक पाठक प्रति माह हमें इस अभियान को चलाने के लिए निरंतर लंबे समय से सहयोग दे रहे हैं हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर आपको निरंतर उन्नति के पथ पर चलाता रहे और आप के पास में धन संपत्ति अधिक से अधिक हो जिससे अच्छे कार्य और बढ़ें तो आप जो नहीं दे रहे हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपना सहयोग निरंतर हमें प्रदान कीजिएगा जिससे हम गतिविधियां और बढ़ा लेंगे ये लिखा हुआ है ये पूर्व भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहते हैं आप और ये व्हाट्सअप नंबर दिया ये अकाउंट नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल डाल दी गई है वहाँ से ले सकते हैं गूगल पे फोनपे पेटीएम नंबर दिया गया है नाइन फाइव एट टू वन जीरो फोर टू सिक्स वन इस पर आप अपना सहयोग हमें देख करके इसी व्हाट्सअप नंबर पर सूचित कर दीजिएगा ये भी व्हाट्सएप नंबर है सरलता से अपना सहयोग प्रदान करने के लिए मित्रों ये क्यू कोड आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है इसको स्कैन करके आप अपना सहयोग भेजें चलिए तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था परंतु इसकी सिद्धियां नहीं कराई थी ठीक है कर तो ये तास्यनु दातेन ये दुपदे गेदा दुपदे शाल लसार दात को विंगो हो यहाँ तक के हमने आपको पढ़ा दिया था इसके उदाहरण रह गए थे सिद्धि अभी शेष ठीक है थीके? आज की कक्षा में हम सिद्धि कराएंगे पहले तो फिर इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं ये सूत्र क्या कहता है ये कहता है तासे रनुदाते तो गीतो कारांतोपदेशाच्चा परम लसार्धात्क मनुदातम वहत भवती हुनुंग इंग इत्ते ताभ्याम परम वर्ज इत्वा कि तासी लुटलकार का जो तास विकरण है उससे परे अथवा अनुदात्त कोई धातु अथवा गिद्ध धातु अथवा अकारोपदेशात मान उपदेश में जो अकारांत है उससे परे जो लसार धातु होता है वो अनुदाप्त हो जाता है और इंग धातु को छोड़ करके इनसे परे तो रहेगा मुख्य रूप से उदात रहेगातुक है उनके लिए ये है पित में तो अपने आप ही अनुदात होता है अनुदात तो उस पित से आपको बताया था यहाँ पर सिद्धियां दी है इन्होंने उदाहरण में ता करता रहू, करता कर्ता ये ध्यान रखिएगा ये करता करता रहू, करता कर्ता ये क्या है आप प्रथम पुरुष के हैं ये प्रथम पुरुष में ध्यान रखेंगे ये आत्मने पद में भी ऐसे ही बनते हैं और और आपके परस पद में भी बनते हैं दोनों में एक जैसे ही बनते हैं ठीक है ये कर्ता करता ये जो है आपका ये टिपका ये टिप का भी बनता है और ऐसा ही तका भी बनता है ये आत्मनिपद का है ये प्रथम पद का है तो यहाँ पर ये जो लिया है ये तो लिया है तका ध्यान रखेंगे तका लिया है क्योंकि टिप में तो कोई प्रकार है ही नहीं टिप तो अपने अपने आप ही अंदा है पहले से ही तो इसका नहीं ये करता इसका लिया है और ये करता रहा करता ये लिए हैं आपके तस और झी हैस झी तस और झी और आताम वो आताम और झ ये आताम और झा और तस और झी में दोनों में समान बनते हैं तो ये दोनों के लिए लिए हैं ठीक है परंतु तो ये केवल ता -ता का ही लिया है तो अब आइएगा इसकी सिद्धि हम करते हैं देखिए मोटा मोटा करेंगे ये ये ठीक है और ये आ गया आपका आत्मनिपथ का ता और ये आ गया तास ठीक है जी इसको डा लुटा प्रथम में रसा से डा आदि हो जाएगा वो में देखेंगे अब हम यहाँ पर स्वर लगाएंगे तो सबसे पहला स्वर क्या है ये है धातों से धातु को अंत है फिर इसके बाद में ये आया प्रत्यय ये क्या हुआ सती शिष्ट सरोवली क्या सती शिष्ट सरोवली से ये वाला स्वर होने लगा ये कैसा आदात आद से उदात्त है अब उसके बाद में ये तासा आया तो तास आया अब ये ताश आया तो ताश का स्वर तो 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 अपने आप होना चाहिए अब यदि ये तो अनुदा तो रहा है ये तो अपने आप ही अनुदात तो रहा है इस सूत्र से करने की आवश्यकता क्या है यहाँ पर एक परिभाषा लगती है वो परिभाषा यहाँ पर नीचे लिखी हुई है ध्यान देंगे ये स्वर प्रत्य का यह अपवाद सूत्र है कर्तारऊ करता, करता हमें ये दिखाया इन्होंने हम पहले वो देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सती शिष्टोपि विकर्ण का स्वरम न बाधते तो सती शिष्ट जो परिभाषा थी उसकी अपवाद ये परिभाषा है कि बाद में आने वाला भी जो विकरण होता है सती विकरन स्वरा, विकरन का स्वर जैसे यहाँ पर तास है तास बाद में आया है तो कहते हैं तास आया वो विकर्ण स्वर ल को माने जो ल के स्थान में जो सारधात्त आदि उसका जो स्वर है उसको रोक नहीं सकता उसको रोक नहीं सकता अर्थात वो हटेगा नहीं वो बना ही रहेगा बलवान हो रहा था वो इसने रोक दिया नहीं ताश बलवान नहीं है कौन बलवान है धातु का स्वर ध्यान रखिएगा अब क्या हुआ धातु का स्वर बलवान हो गया तो क्या हो जाएगा ये था हमारा क्री और ये तास और ये रहता तो ये उदात ही रहेगा ये उदात ही रहेगा इसको रोक नहीं सकता ये वाला स्वर नहीं रोक सकता तो एक शब्द में एक ही उदात होता है तो ये अपने आप अनुदात्त रहेगा अनुदात्त नहीं करना है इसलिए कहते हैं नहीं भाई सती शिष्ट विकर्ण स्वर लसार्धा तो स्वरम न बाधते इस परिभाषा से क्या है ये बलवान हो रहा तो इसने कह दिया कि भाई तास से उत्तर यदि लसार्धा तो कहे वो कैसा होता है उदात्त नहीं होता वो तो अनुदात्त ही होता है ये अनुदात्त कर दिया इसने इसने अनुदात्त कर दिया तो अभी अपने आप उदात्त हो जाएगा बस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्या अनुदात्त है अनुदात्त अनुदात इसको ड हो गया है डा लुटा प्रथम दारू रोसा सिद्धि हमने करा दिए पहले ही डा हो गया डा का ये आए स्थानीव से ये भी अनुदात ही है और यहाँ पर क्या है डितकरण सामर्थ्य तवश्यापी टेर लोपा से यहाँ पर टी का लोप हो गया ठीक है क्या हो गया इस इस अनुदात्त को मान करके इस टास के आस का लोप हो गया ये उदात था इसका लोप हो गया माने इस अनुदात के कारण से इस उदात का क्या हो गया लोप आस का टी का, तो अब क्या है जिस अनुदत्त को मान करके उदत्त का लोप होता है तो उस अनुदत्त को क्या हो जाता है उदात्त हो जाता है ये ये हमने अभी पढ़ा था इसी में ये अनुदात्त से चाहोदाप माने जिस अनुदात्त को निमित्त मान करके उदात्त का लोप हुआ तो ये अनुदात्त कैसा हो गया उदात्त हो गया तो ये उदात्त हो गया और ये गुण आदि हो जाएगा यहाँ पर कर कर बन जाएगा तो करता अनुदात पदम एक वर्जम तो ये उदात्त हो गया ऐसे बनाए ठीक है समझ लीजिएगा तो ये करता ये हो गया है ऐसे करता रहो करता रह यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी ऐसे ही होगा इसमें इनकी तो सिद्धि कर दी है ये लिखा हुआ है रहू, करता रहो करता रह में क्री को धातु स्वर के पश्चात तस आ गया झी आ गया प्रत्यय स्वर से क्या उदात्त हुए पुनः तास विकर्ण प्रत्यय स्वर से उदात्त प्राप्त हुआ सतीशिष्ट स्वरोवलियां से भी इसने मना कर दिया मना कर दिया तो ये न्याय से इसमें क्या हो जाता लुटा प्रथम से डारऊ रस इसको क्या हो जाता है ये इसको हो जाता है तस को होता है रऊ और इसको होता है रा बताइए तो आपको सिद्धि वहीं कर लिए तो क्या है यहां पर ये न्याय से उदात्त हुआ मैंने अपने आप उदात्त प्राप्त हुआ जो को झी और तस अब यहां पर तभी सूत्र ने तास् से अनुदात्तिक सूत्र ने क्या लसार दात् को अनुदात्त कर दिया इनको अनुदात्त कर दिया विधान किया तो रौ राह के अनुदात्त होने पर तास प्रत्यय से उदात्त होगा ठीक है तो प्रत्यय स्वर यहां पर तो टी का लोप नहीं हुआ है यहाँ का टी का लोप नहीं हुआ तो यहाँ तो क्या स का लोप हो गया तो यह उदात्त ही रहा अनुदात्तम पद एक वर्जम उदात्त अनुदात्त स्वरत हो गया ये ऐसे यहाँ पर ये उदात्त हो गया अनुदात्तम पद में एक बार से स्वरत हो गया ठीक है? और देखिएगा जो मैंने आपको बताया था कर्ता आत्मने पद एक वचन में प्रकृत सूत्र से ते अनुदात्त हुआ है ठीक है उसको डा आदेश हो गया है ता ते हो जाता है की बात है डा के होने से तास के टीलोप होने से उदात निवृत्ति स्वर से डाउदात हो जाता है जो मैंने आपको बता दिया ठीक है है तो ये जो है ये जो और जी का दिखाया है ये आताम और झ का भी बनेगा क्योंकि लुटाहा प्रथम डाराऊ रसाह चाहे आत्मने पद के हो चाहे पद के तो दोनों को तो यहाँ पर ये दोनों बनेंगे और यहाँ पर केवल इसी में प्रयोजन है त वाले में अब इसके बाद आ रहा है हमारा अनुदात धातु का अनुदातित में क्या आस धातु अनुदात है इसकी संज्ञा हो जाती है अनुदात है ठीक है तो आसते आस धातु तो आस है और ये तागे पद में ये शप आएगा इसका लुक हो जाएगा कोई बात नहीं लुक हो गया ठीक है अब ये ते हो गया धातु सर से इसका अनुदात है फिर ये आ गया अब यहां पर क्या है ये उदात्त हुआ सती शिष्ट सरो वलिया यहां तो लग रहा है तो विकरण तो है नहीं आप विकरण तो लोप हो गया तो अभी उदात्त हो गया परंतु तो अभी सूत्र ने कहा ये धातु कैसे अनुदात है इससे उत्तर ये लस सार धातु का तो उसको क्या हो गया अनुदात्त हो गया तो अनुदात्त हो तो गया तो ये उदात्त ही रहा फिर उदात्ता अनुदात्ता उद स्वर हो गया ये आस्ते इसी प्रकार से वस से वस्ते ये भी अदादी गण की है ठीक है अनुदात इसमें अनुदात तेत क्या है ये वसा ऐसा पड़ा हुआ है इसकी क्या होती है संज्ञा होती है और ये वास्तव में धातु पाठ में ये अन्ना ये कैसा है अनुनाशिक भी है और नीचे अनुदात्त भी है ये हाँ लिखा नहीं है पर अनुदात तो इसलिए अनुदात की संज्ञा हुई तो अनुदात धातु है ये नित का बता रहे हैं शुंग का सूते शेते तो ये भी उदारती हो जाएंगे ये भी आदादी गण की शप आएगा उनका लुक हो जाएगा ठीक है तो ये उदात्त तो हो गया आदुपदेशात आदुपदेश का देख लीजिएगा आदुपदेशात में तुदता नो दत्ता पाचता पठता ठीक है ये क्या है वास्तव में ऐसा है तुदा और ये तस्का है तित में तो कोई प्रयोजन नहीं है तस्का है लट लकार का अब ये तुदादी गण की तुदादी शाह हमें यहाँ पर अदुपदेश देखना है कैसे देखना है? अदुपदेश जो इत संज्ञा करने के बाद में आकार बचता है हरस्वकार इसमें इत संज्ञा कर दी तो ये क्या बचा आ बचा ये आ उपदेश में है इससे उत्तर लस चार धातु को क्या हो जाएगा अनुदात हो जाएगा तो यहाँ पर पहले क्या है धातु स्वर से धातु लग रहा अंत अंत उदात हो रहा था फिर प्रत्यय स्वर से तसी को उदात हो रहा था फिर फिर ये ये आ रहा था सतीश सरोवलियान से ये उदात हो रहा था परंतु सतीशिष्टोपी विकर्ण स्वरा लसार दातु स्वरम न बाधते उस परिभाषा से क्या हुआ ये विकरण स्वर नहीं लगा ये, ही ये इसको बाज नहीं सकता ये रहा तो ये अपने आप रहेगा तो परंतु उसका उस परिभाषा का, का अदुपदेश, अदुपदेश अनुदात हो, हो जाएगा तो हम, आ, ये अनुदा होगा फिर इसका स्वर आ गया ये अनुदात पदम एक पर जब अनुदा स्वरता तो ये उदात हो गया मधुदत्त हो गया ऐसे हो गया पचता पठता ये क्या है पचा और ये का है ध्यान रखेंगे और ये का ठीक है यहाँ पर इनकी इत संज्ञा पहले कर लेंगे इत संज्ञा करने के बाद देखेंगे क्या बच रहा है तो अबरा इसका भी तो ये भी है। उपदेश में आए उत्तर ये मिल रहा है तो यहाँ पर भी इसको अनुदा हो जाएगा और फिर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये तो पिता ध्यान रखेंगे इसमें कैसे स्वर लगाएंगे इसमें ये उदा धातु से अंतात प्राप्त हुआ फिर प्रत्यय सतीशिष्ट सरोवलियान से ये प्राप्त हुआ ये हट जाएगा अब ये ये सतीशिष्ट यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि अनुदात है ही अनुदा यहाँ पर भी परिभाषा ही लगेगी सतीशिष्ट सरो विकरण स्वरूपी लातु स्वरम बाधा ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर उदात्त प्राप्ति नहीं है तो यहां पर अभी इस सूत्र ने क्या कर दिया उत्तर इसको अनुदात कर दिया अनुदात कर दिया तो अभी इसका तो, तो, अनुदात है ही। तो ये उदात रहेगा धातु का यहाँ पर ठीक है तो धातु स्वरता ऐसे ये, ये हो गया उदात और स्वर ये समझ लीजिए लिख के करना पड़ेगा आपको ठीक चलिएगा ये लिखा दिया तुदाद्यासाह ये हो गया और ये नीचे लिख दिया मैंने सारा समझा दिया आपको समझने की अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है ये हो गया चलिएगा अब है हमारा आगे का सूत्र आदि तरस्याम आदि प्रथमा व्यक्ति वचनांतम सिचा षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम अन्य तरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति उदात्त ऊपर से उदात की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ सियंत विकल्पे निकल्पे नो भवती इनका कहना है कि सिच सिच का मतलब लुंग लकार हो गया सिजंत सिजंत जो शब्द है उसका विकल्प से आदि उदात्त होता है क्या विकल्प से आदि उदात्त होता है पक्ष में क्या हो जाएगा जो प्राप्त है वो हो जाएगा अभी देखते हैं ठीक है उदाहरण दिया या? माही कारिष्टाम माही कारिष्टाम माही लाविष्टाम, माही लाविष्टाम। यहां पर दो दो उदाहरण भरने देखिएगा ये तो आदि उदात्त का हो गया और ये हो गया मध्य उदात्त का इसको मध्य उदात्त हो जाएगा ये आदि उदात्त हो गया और ये हो गया आपका मध्य उदात्त ठीक है। चलिए ये अब देखेंगे यहां पर पहले देखिए हिंदी लिखी हुई है उसको पहले पढ़ के मैं बता देता हूं तब समझ में आ जाएगा इसी प्रकार ये हो गया ये है। सिच अंत वाले को विकल्प से आदिवात होता है जैसे कार्टाम एक पक्ष में प्रतिशूत से आदिवात हो गया पक्ष में प्रत्यक्ष स्वर से अंत हो गया इसकी प्रक्रिया ये रहेगी देखिएगा ये कार्टाम ये वास्तव में लोलकार का है का त्रिधातु का कार और ये सिच का स और ये क्या है तस्य है में तो क्या हो जाता है तस थस्त ताम ताम तामा से ताम आदेश हो जाता है तो ये क्या है ताम हो गया है वास्तव में ठीक है और ये अनिट धातु है अब यहाँ पर स्वर लगाएंगे स्वर क्या लगाएंगे पहले धातु है धातु क्री धातु थी कार हो गए वृद्धि आदि तो यहाँ पर ये अंत प्राप्त हुआ फिर प्रत्याच सती शिक्ष से ये प्राप्त हुआ यह हट गया हट गया सिच है सिच में तो कोई है ही नहीं अच में कोई अच ही नहीं है तो इस सूत्र ने कहा कि भाई सिजंत कितना हो गया ये हो गया सिजंत सिजंत का विकल्प से आदि उदात्त तो होता है अर्थात ये उदात्त हो जाएगा यह नहीं रहेगा

तस तस क्या है आद्य उदात प्रत्यय स्वर से उदात्त है तो ये उदात्त रहेगा अनुदातम पद में एक बड़े अब यहां पर एक ये है ध्यान रखेंगे ये लिखा हुआ है कि उदाहरणों में ही च से निघात का प्रक्षेद हो जाता है एक सूत्र है मास आठवें अध्याय के प्रथम पाद में ये वाला सूत्र है तीन हाँ। ये सूत्र है ठीक है ये ही सूत्र से पहले अष्टाध्याय में संख्या भी मैं आपको बता देता हूं अट्ठाईस में आएंगे क्या आए आठ एक ट्वेंटी एट अट्ठाइस तिंग तिंग कहता है कि अतिंग से उत्तर जो तिंग होता है वो सर्वानुदात्त तो होता है यहाँ पर क्या है ये ही क्या है अतिंग है अतिंग का अर्थ हो गया तिंग दो ही प्रकार के तिंग और अतिंग अतिंग का अर्थ हो गया सुबंत सुबंत ये तो अतिंग से उत्तर जो तिंग होता है वो सर्वानुदात तो होना चाहिए ये कहता है यहाँ पर अतिंग से उत्तर अतिंग ही से उत्तर तिंग मिल रहा है कार्टम परंतु उसका अपवाद सूत्र है ही च हिच कहता है कि ही ही का योग है तो ही ही के योग में तिंग तिंगा तिंग नहीं लगता अर्थात ही है यहाँ पर इसलिए ही को मान करके तिंग तिंगा तिंग तिंग नहीं लगा सकते तो ये इसका अपना स्वर ही रहेगा ये कहना चाह रहे हैं ठीक ऐसे ही इसमें हो जाएगा ये ही तो सब में लगेगा ऐसे ही यहाँ पर लाविष्टम लुई धातु से लाविष्टम बन गया है और लाविष्टम तो ये यहाँ पर यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर तो आदि उदात वाला तो ये हो गया और इसमें क्या है प्रत्यय इसमें सिच को इट हो जाता है क्या हो जाता है सिच में ये सेठ धातु है इसलिए सिच में इटू हो जाता है तो सती शिष्ट स्वरूप लिया इसमें क्या लगेगा इसमें सिच सिच में इट आ गया तो सिच का स्वर रहेगा इसमें <laughs> क्या रहेगा सिच का यहाँ वो ये वाला स्वर नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में सिच आया सिच में भी इट आ गया तो वो आ, उसमें लगेगा इसमें क्या स्थिति हो गई हमारी ला हुआ ये और ये इ इटागम हो गया और ये सिच और ये ताम हो गया अब पहले स्वर हमने इसमें लगाया उदात हो गया धातु तो। फिर इसमें सतीशिष्ट सरोवर लिया जब प्रत्यय स्वर से ये आ गया ये हट गया अब सतीशिष्ट सरोवर लिया अब ये क्या ये ये लग गया तो ये उदात हो जाएगा ये हट जाएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या है मध्य उदात है ये मध्य उदात है उदात्तम पदम में उदात्ता उदात्ता स्वर का ऐसा हो ठीक है, था है।, था है।, था है।, था है। तो ये हो गया आपका ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा अच्छा ये यहाँ पर कुछ है ये, दिखा है। ये को हुआ इट आगम का भाग माना जाने से सिच के चित होने से चित स्वर से उदात्त होता है उदाहरणों में अच्छा ये यहाँ पर वास्तव में इन्होंने लाविष्टम ये जो यहाँ पर क्या है चिता लगा दिया है चिता माने या चित भी लगाएंगे और प्रत्यय वो प्रत्यय स्वर भी लग सकता वो होगा यही उदात होगा और कुछ ही नहीं होगा ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर चित लगा कर दिखाया चिता भी कर सकते कोई परेशानी नहीं है ठीक है चलिएगा स्वपादि हिंसा अच्छ अनिटी स्वपाद हिंसा ष्ठी व्यक्ति भोजनातम अच्छी सप्तम व्यक्ति योजनातम अनिटी सप्तम व्यक्ति योजनातम समास स्वपादि ये स्वपादया बहुग्रीहि ठीक है स्वपादयश्च हिंश्च स्वपाद हिंसा तेषा स्वपाद हिंसा इतरेतर योग द्वंद्व ठीक है एक तो स्वपादि स्वप धातु जिनके में कुछ धातु लिए और एक धातु लिया हिंस ठीक है ऐसी हिंसायाम अनिटी इत्यत्र बहुब्री ही तो न विद्यते इट यस्य अथवा यस्मिन सानिट तस्मिन अनिटी यहाँ पर बहुब्री कर लीजिएगा अनुवृत्ति आदि अन्य तरह श्याम लस्तुकम उदात्ता ये इसका हो गया ठीक है अब देखिए अर्थ स्वपादी नाम हिंसे आजादाविटी कहते पर कि स्वपादी धातु और हिंसी धातु हिंसायाम इस धातु से उत्तर अनिटी मान आजादी आजादी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए अनिट्टी माने अनिट वाला होना चाहिए इट नहीं होना चाहिए इट के कारण से आजादी नहीं बनना चाहिए माने इट से भिन्न आजादी को होना चाहिए स्थान में जो शारधातु प्रत्यय वो, वो कैसे होने चाहिए और आजादी तो परे रहते हैं विकल्प आदि उदात होता है क्या होता है और पक्ष में उसका प्रत्यय स्वर रहेगा तो जैसे स्वपंति अब देखिए ये क्या है धातु थी सब को ये सारा कुछ करके स्वप्न बन गया और ये झी ये जी है जी को क्या हो जाता है अंति अंत हो जाता है या बीच में शप आता है शप का क्या हो जाता है आजादी लुक हो जाता है क्या हो गया लुक हो गया अब यहाँ पर आप क्या है ये उदाह अब यहाँ पर स्वर लगाएंगे ठीक है स्वर लगाएंगे तो इसमें क्या है स्वपादी नाम हिंसा ये लसार धातुक है और ये आजादी है और इट नहीं है इट नहीं है तो इसमें क्या हो रहा था इसको धातु से धातु स्वर फिर क्या प्रत्यय स्वर प्राप्त था नित्य तो कहा कि नहीं इनको तो जो स्वपादि धातु उनमें तो आदि उदात्त होगा विकल्प से वायकल्प विकल्प से आदि उदात हो जाएगा तो स्वपंति ये स्वप का ये उदात्त रहेगा ठीक है अनुदातम पद में एक बार जमदाता अनुदाता स्वरता ठीक है जब नहीं होगा तो ये प्रत्यय का स्वर रहेगा तो अंति का अदात हो गया अनुदातम पद में एक बार जमदाता अनुदाता स्वरता ऐसा हो जाएगा ऐसे ही श्वस धातु एवं स्वपाधिगण में श्वसंति श्वसंति ये बहुवचन के ध्यान रखेंगे ठीक है हिंसन हिंसंति हिंसंति ये भी बहुवचन के ठीक है तो यहाँ पर भी क्या है अंति का ये एक बार तो आदि उदात तो हो गया और एक बार ये मध्य उदात तो हो गया और कुछ भी नहीं है ठीक है इसकी जो सिद्धि है ये वास्तव में ध्यान रखेंगे <laughs> ये कैसकी है ये अदादी गण ये अदादी गण की नहीं है ये रुदादी गण की धातु है इसकी सिद्धि आपको कहा देखनी है सिद्धि आपको यहाँ पर देख लेनी है हिंसंती की सिद्धि हमने भाग एक में प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के पंद्रह में सूत्र का कराई थी वहां देखनी पड़ी पूरी सिद्धि नहीं कराई कराएंगे ठीक है यहाँ पर क्या होता है वास्तव में ये धातु है ऐसी हिस्सी हिस्स बचता है यहाँ पर इसको नुम हो जाता है तो नुम दातु से हिसी दातु तो ईद तय तो नुम हो जाता है नुम न बचता है ठीक है और यहाँ पर इसको जी आ जाता है ये रुदादी गण की है रुदादी गण की होने से क्या हो जाता है यहाँ पर रुदाद्यशनम ठीक है शायद इसमें लिखा होगा आ, इसमें नहीं लिखा चलिएगा रुदाद्या ये, ये नुम का ना और ये सा, ये सा और ये झी का अंति हो जाएगा ठीक है अब यहाँ शनम से क्या है शनम विकर्ण होगा वो बोका मित, है, मित चुन त्यात परा। तो यहाँ यां हो जाएगा नुम तो नुम वो शनम शनम तो अब ये नुम से नुम का ये ना इधर चला गया और शनम का ये इधर आ गया ये संज्ञा हो गई तो क्या बचा हमारा ये बचा ध्यान रखिएगा आएगा और ये नुम का ना, और ये का और ऐसी बनेगी स्थिति अब यहाँ पर क्या है सोरल लोपा क्या है सोरल लोपा से क्या शनम के आकार का लोप हो जाता है ये सिद्धि वही देखिएगा और स्नान न लोपा से इस नकार का विलोप हो जाता है स्नान न है स्नान न लोपा से दो सूत्र है और स्नान लोपो स्नान लोपा छठ में अध्याय के चौथे पाद के तो इसका विलोप ये ये बचा अब हमारे पास में क्या बचता ये बचता है ना और सा अब इसमें स्वर लगाएंगे स्वर लगाएंगे तो स्वर क्या लगेगा ये ये उदात्त है और फिर ये प्रत्य सतिष्ट से ये लगने लगा ये हट जाएगा तो इसने कहा विकल्प से उदात्त होगा तो विकल्प से ये उदात्त हो गया एक बार एक बार ये अंति का अवदात्त हो गया तो हिंसन ठीक है <laughs> ताकत तो लगानी पड़ेगी आपको चलिएगा नोट है, उस पर लिख लिख के कीजिएगा चलेगा और देखिएगा ये सरल ही है बस एक बार गड्डी चढ़ जाए पटरी पर फिर कोई परेशानी नहीं है अभ्यस्ता नाम अब अभ्यस्ता नाम ष्ठी व्यक्ति बहुचनातम आदि प्रथमा व्यक्ति अवचनातम अनुवृत्ति अच्छी अनिटी लसार दातुकम उदात ठीक अच्छा यहाँ पर एक बात रह गई यहाँ पर ये लिखा हुआ था इसको देख लीजिएगा तो कम ऊपर से प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही प्रथमा जो तो यहाँ आ रहा था वह यहाँ पर क्या है अच्छी अनिटी के संबंध से सप्तमी में बदल दिया था ठीक है अर्थवशात व्यक्ति विपरिणाम क्योंकि यहाँ पर लसार धातु का संबंध अच्छी और अनिटी के साथ में इनमें सप्तमी है तो इसमें सप्तमी हम अपने अर्थ करते समय सप्तमी लगाएंगे ठीक है चलिएगा आ... तो ये हो गया अभ्यस्ता नाम आदि ही ऊपर चला गया नाम व्यक्ति व्यक्ति इसमें आ ठीक है अर्थ अभ्यस्ता नाम अनिट जादार अभ्यस्त आपको पता ही है छठ में अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़ाया था वो भी अभ्यस्तम तो द्रवचन होता है उसको दोनों की क्या हो जाती है अभ्यस्त संज्ञा तो जहां पर अभ्यस्त संज्ञा मिलेगी तो कहते हैं वहां पर तो माने माने इट से भिन्न आजादी परे रहती, क्या हो जाएगा अभ्यस्त संज्ञकों का आदि उदात तो होता है नित्य विकल्प नित्य होता है तो जैसे दी दी जक्षति जक्षतु जागृति जागृतु दादाती सर क्या है? ये पर दुत्त हो रहा है दादा और झी का है ये बहुवचन का है ठीक है बहुत सारे लोग सोचते हैं दादाती प्रथम दा प्र... एक वचन का एक वचन का नहीं है दादाती होता है वो तो ठीक है वन लगाना यहाँ पर क्या लगाना हमें आजादी चाहिए अनि चाहिए दातुक चाहिए तो यहां पर क्या स्वर प्रक्रिया रहेगी आपकी ये दा है और इसको दु होकर के द और हस्वादी होकर के दा, दा और ये शपाता उसका लुक हो जाएगा मैंने ठीक है की है और ये झी है क्या है झी यहां पर क्या हो जाता है झी को अदभ्यस्तात। अदभ्यस्तात ये एक मिनट सात में अध्याय के प्रथम पाद का जो सूत्र है हमारा अदभ्यस्ता मान अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर जो झी है झी का है उसको अत होता है तो अदभ्यस्ता सात एक चार है देख लीजिए सात एक चौथा चार चौथा सूत्र तो यहाँ पर इसको क्या हो गया अति हो गया ज को अ और ये अति ऐसा बन गया ठीक है तो ये आती अब यहाँ पर क्या इसको मान करके अब दस्ता है उसको इसका तो लोप आदि हो जाएगा तो यहाँ पर माने इसको मान करके इसको लोप हो जाता है इसका स्नाभ्यस्त स्नाभ्यस्त और ये है, है। छठ में अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है

अनुदात पद में एक बार जम धा धातु का दधती बन जाएगा ठीक है ये धातु जक्ष तो इसको तो जक्ष, तो जक्ष आदि धातुओं की जो तो सात धातुओं उनकी क्या हो जाती है अभ्यस्त संज्ञा अपने बिना तो तुकी ही तो इसलिए जक्षति ये भी उसी का है बहुवचन का है जी का ये लोट का है जक्षतु जागृति ये भी जागृत धातु जागृति हो जाएगा जागृतु लोटका ये तो ऐसा ही है ठीक तो है तो ये तो हो गई और इसमें कुछ विशेष नहीं है तो यही है जक्षति आदि की सिद्धि आप वहां देख लीजिए सर्वत्र इसी प्रकार अति आजादी प्रत्यय के परे रहते हुए अभ्यस्त संजय को आदिदात हो गया है प्रत्यय स्वर से इनको प्राप्त था अंतरी मध्य क्या मद प्राप्त था मैंने जी को अति हो रहा था अति 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 तो अको उदात प्राप्त था तो वो हटा करके आदि उदत्त कर दिया चलिएगा तो चलिएगा आज यही तक रखेंगे आगे कक्षा में आगे का सूत्र पढ़ेंगे अनुदाते उसी से संबंधित है परंतु थोड़ा सा अलग है चलिएगा तो आज आपसे हमने प्रारंभ में जो निवेदन किया था उसको सभी लोग ध्यान में रखेंगे जिससे हमें कार्य करने में सरलता हो ठीक दाम सदस्यता सर्वेभ्यो नमः